हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, बहुत दिन बाद आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो गाइस, मैं परसों मूवी देखने गई थी, आदि पुरुष। तो गाइस, आप उसमें बता सकते हैं कि उस मूवी को देख के क्या लग रहा है? पर गाइस, मुझे तो देख के वो मूवी एकदम बेकार लगी। गाइस, उसमें जो रामायण थी वो एकदम उन्होंने बदल के एकदम बेकार सी रामायण कर दी। जैसे कि इसमें राम जी इतने देखने में कोमल मासूम से लग रहे थे, तो गाइज उसमें देख के ऐसा लग रहा है कि जो भी युद्ध हो रहे हैं ना, तो राम जी उसमें लड़ने जा रहे हैं, उनके चेहरे पे बिल्कुल मासूमियत नहीं है। हनुमान जी का करेक्टर देख लीजिए, लक्ष्मण जी का करेक्टर देख लीजिए, और गाइज सबके नाम इन्होंने बदल गए। राम जी का राम की जगह राघव रख दिया, सीता जी का नाम की जगह जानकी रख दिया, और लक्ष्मण जी का नाम की जगह उन्होंने शेष रख दिया। तो गाइज, जितने भी बाद में लोग निकले उनसे पूछा कि मूवी कैसी लगी, इतनी अच्छी रामायण को इन्हें बदल के एक मूवी का नाम नहीं देना चाहिए था गाइज, क्योंकि ये मूवी पेरेंट्स के साथ देखने वाले थे। तो पेरेंट्स ने बोला कि आप इनके टिकट बुक कराओ, हम लोग चलते हैं साथ में देखने। बाद में पेरेंट्स बोलते हैं क्या कर दिया है, पूरी रामायण में जॉम्बीज भर दिए हैं, एकदम लड़ाई दंगा है। और बल्कि आपको अगर याद होगा तो इसमें जब सीता मैया को ले कर राम जी जाते हैं तो उन्हें जटायु बचाने आता है, ठीक है, इसमें जटायु बचाने आया। उसके बाद में राम जी ने उन्हें खुद देखा उड़ते हुए कि वो कहाँ गए। सीता मैया ने इसमें वो तो डाले, जानकी मैया ने इसमें अपने मोती गिराए गले के, पर जो असली मूवी थी उसमें राम जी को पता ही नहीं गया था कि कौन लेके, जटायु ने उन्हें बताया था कि रावण उठा के लेके गया। और सबसे मेन बात, रावण का भी रोल अच्छा था रामायण में, असली रामायण में। इसमें तो रावण के मुंह पे मुकुट ही नहीं था और ऊपर से रावण वाइन पी रहे थे। तो उस मूवी को देख के गाइस, जिसमें लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मण था उसमें उन्होंने शेष रख दिया। बच्चे जो जाएंगे देखने तो वो क्या बोलेंगे कि हमारी रामायण ऐसे बनी हुई थी? मेरे साथ में एक मेरी नीस गई हुई थी तो मुझसे कह रही है कि रावण जी के हाथ में टैटू बनवाते थे। तो मैंने बोला नहीं, तुम ये वाली रामायण बेकार है, तुम वो वाली रामायण देखना, वो देख के कुछ अच्छा लगेगा। तो गाइज, इससे बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा मूवी पे, कि बताइए कि ऐसे हमारे रामायण बनाई गई है। और सारी मूवी में लड़ाई है, पूरी मूवी एक्शन है और जॉम्बीज भरे हुए हैं। वानर सेना में वानर सेना की जगह मेरे नीस बोलते हैं कि इसमें तो सब कंगारू भरे हुए हैं और गोरिल्ला भरे हुए हैं। तो गाइस, इससे बच्चों पे बहुत इफेक्ट कर रहा है। हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ मूवी देखने गए थे, वो मूवी देख के इतना अजीब लगा कि पूरे। गाइस, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस मूवी में अगर आपको याद हो, संजीवनी बूटी जो थी वो बताई गई हुई थी कि एक पर्वत होगा, चमकते हुई बूटियाँ होंगे उसमें, तो हनुमान जी पूरी उठा रहे थे। यहाँ पे तो बूटी बताने के बाद में संजीवनी बूटी ला के पूरे 3 ड्रब भरे जा रहे हैं, उनको पूरा उससे सरस बना के उसको एक वाट टब में लिटाल के तब वो लक्ष्मण जी एकदम से जीवित हो जाते हैं। तो गाइज, आप ये मूवी में देख के क्या ही बताएंगे कि क्या ही दिखाया है। जितने भी माता पिता लोग हैं वो लोग अगर ये मूवी देखने जाएंगे तो सच्ची में ये मूवी देख के उनको बहुत गुस्सा आएगी, क्योंकि इस मूवी में कुछ नहीं और मूवी को बर्बाद कर दिया है। तो सच्ची में जो राम जी और सीता जी ने जिन्होंने करेक्टर इसका प्ले किया था, वो अगर ये मूवी देख रहे होंगे तो उनको गुस्सा आ रही होगी, इतनी गंदी मूवी है। क्योंकि हम रामायण को देख के याद करते हैं कि राम जी का क्या रोल था, सीता जी ने 14 वर्ष का वनवास जो था और बहुत मेहनत करके वहाँ पर निभाया था, और आज भी हम लोग उस चीज़ को याद रख के सेलिब्रेट करते हैं, रामनवमी मनाते हैं। तो और गाइस, इसमें एक चीज़ और थी, सबरी जिन्होंने जूठे बेर खिलाए, जूठे बेर खाने राम जी जाते थे, ना कि सबरी अपने जूठे बेर खिलाती थी अपने बन के। इसमें तो गाइस एकदम बदल के इतना गंदा कर दिया है। आप लोग मूवी देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी का कैसा लगा। और सबसे मेन बात, इसमें राम जी और सीता मैया जी का इन्होंने पूरा प्यार दिखा दिया है, जो कि रामायण में ऐसे कहीं नहीं था। कितना अच्छा रोल था रामायण में, लवकुश का कितना अच्छा रोल था। वो रामायण, ये रामायण बनाने का किसने इनको दे दिया है कि जो ये रामायण को बदल कर आदि पुरुष नाम देके और पूरी रामायण की फजीहत कर दी है इन्होंने। काफ़ी
दुखद हुआ कि इन्होंने इतना गंदा रामायण को, हम रामायण को 10 बार हजारों बार देख सकते हैं पर ये आदि पुरुष एक बार देखने में, और हम तो पास में गए कि फर्स्ट स्क्रीन पे कुछ मूवी लगी हो वहाँ पे भी आदि पुरुष लगे, क्योंकि फर्स्ट डे था, फर्स्ट शो था तो पूरा फुल था, इसलिए पड़ोस में देखने गए स्क्रीन पे तो वहाँ भी आदि पुरुष लगे हुए। मैं बहुत इरिटेट हो गई गाइस ये मूवी देख के। आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी इसके बारे में कुछ? जरूर डालूंगी इसमें बीच बीच में, तो आप देखिएगा, ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब पे, पर अभी मैं इसमें वीडियो के साथ में, ब्लॉग के साथ में वीडियो ज़रूर डालूंगी, तो आप देखिएगा कितनी बेकार मूवी है और आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और कृपया करके आप लोग ये मूवी देखने नहीं जाएं, क्योंकि आपके 3 घंटे एकदम बर्बाद जाने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप ये मूवी नहीं देखें। तो गाइज़ अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और इस आदि पुरुष के बारे में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।